किया, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लगभग कॉलोनी के 15 वर्ष हो गए होंगे, हमेशा मैंने कॉलोनी के लोगों को ध्यान दिया। जब भी कॉलोनी में लाइट काटने वाले आए हैं, मैं उनसे पहले आप लोगों के बीच खड़ा हुआ। यहाँ कभी भी भाजपा का प्रत्याशी नहीं आया होगा कि आपके हाल में जी रहे होंगे, दिल में हाथ धरकर बता दीजिए। आप बता दीजिए साथियों, मैं वादा करता हूँ, आप लोगों ने 11 तारीख को यदि मुझे नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पे कुर्सी में बैठाया, आप लोगों की पूरी लड़ाई आपका भाई लड़ेगा। अभी आपके यहाँ बहुत काम बाकी है, केबल जर्जर हो गई है, इधर का ट्रांसफार्मर नहीं है। मैं वादा करता हूँ, चुनाव हारूं या जीतूं, 13 तारीख को जैसे भी वोटिंग खत्म होगी, मैं 15 तारीख को आपकी ये केबल ट्रांसफार्मर लगाऊंगा। आज केवल वोट के लेट से नहीं आया, 15 साल हो गए मुझे इस कॉलोनी की सेवा करते हुए। अगर किसी इंसान ने भाजपा के प्रत्याशी को देखा हो इस सड़कों में, तो दिल में हाथ धरकर बता दीजिए। एक तो जब ये आपका भाई, आपका बेटा हमेशा काम करने के लिए खड़ा रहता है, तो आप अपना अमूल्य मत देकर के अपने भाई को अध्यक्ष बनाइए, जो आपकी लड़ाई। मुझे विश्वास है कि कॉलोनी का चाहे जिस बिरादरी का वोट हो, एक एक वोट मुझे मिलेगा। मैं आशा और विश्वास करता हूँ इस कॉलोनी के लोगों से। यकीन करिए, इस कॉलोनी में बहुत से अभी माँ बहनों की पेंशन नहीं बनी, बहुत से माँ बहनों के राशन कार्ड नहीं बने। मुझे वो मौका आए, मैं घर घर है, आप लोग मुझे बस एक बात कहिए, आने वाली 11 तारीख को आप लोगों को हाथी में मोहर लगा करके मुझे नगर पालिका का अध्यक्ष बनाना है, और जीत के आगे बाद मैं आपके यहाँ घर घर में आई खाऊंगा। मैं जिंदाबाद।